Hey guys, welcome back to my channel. I hope all of you are doing well. आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे कलेक्टिव शॉपिंग हॉल का पार्ट टू. लास्ट वीडियो में मैंने पार्ट वन में मैंने आपके साथ अपने मेकअप, स्किन केयर और हेयर केयर के प्रोडक्ट शेयर करे थे. आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी ज्वेलरी और एक दो आउटफिट, ज़्यादा नहीं है, दो सूट और दो स्वेटशर्ट है, वो शेयर करने वाली हूँ. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट वीडियो. उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो ऑफकोर्स इस वीडियो के बाद. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना. और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल. और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल लिस्टेड है इन द बॉटम बार, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा. नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट जस्ट जंप इन टू द वीडियो. शुरू करते हैं आउटफिट के साथ, ज्यादा नहीं है, फटाफट से निपट जाएगा. तो पहले बात करते हैं इस सूट के बारे में. ये मैंने शॉपर स्टॉप से खरीदा था, ये 3000 रुपीज का था बट 50% ऑफ पे था, तो मैंने ये 1500 का लिया था. मुझे एक अनारकली सूट चाहिए था जिसपे कोई भी एम्ब्रॉयडरी या कोई भी सीक्वेंस किसी भी तरह का वर्क ना हो, और ये बिल्कुल वही है. इस पर कहीं भी कोई किसी तरह का वर्क नहीं है, पूरे सूट पे इस तरह का प्रिंट है. ये इसकी नेक है, नेक पे ये पोल की बटन है, आई डोंट नो कौन सा बटन, शायद पोल की बटन ही बोलते हैं वो है. और पूरे बाकी सूट पे इस तरह का ये प्रिंट दिया हुआ है. और इस पे हल्का हल्का सा ये गोल्डन सा प्रिंट है, शायद इसे मुकेश बोलते हैं ना, ये वाला इस पे हल्का हल्का सा हर जगह दिया हुआ है, कहीं कहीं बूटी बूटी पे, ज़्यादा नहीं, ऑल ओवर. ये मुझे बहुत पसंद है, हल्का सा ये मुझे लूज है कमर पे से, मुझे थोड़ी सी इसकी फिटिंग कराने की ज़रूरत है. मुझे ये सूट बहुत पसंद है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. ये जॉर्जेट मटेरियल में है, लाइट जॉर्जेट मटेरियल में है. और मैंने शॉपर स्टोर से नहीं खरीदा था, ऐप के थ्रू मैंने खरीदा था. शॉपर स्टॉप पर नहीं, ये फायदा है, शायद स्टोर पे आपको अच्छा डिस्काउंट ना मिले लेकिन ऐप पे आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है. और तो ये शॉपर स्टॉप से था. जो दूसरा सूट है वो है ये एक चिकनकारी सूट है, मैंने मेरे यहाँ की एक मार्केट से इसे लिया है. और ये 800 रुपीज का था, 850 रुपीज का था, और इसके साथ जो इनर है वो 200 का था, तो ये पूरा सूट मिला के मुझे 1050 रुपीज का पड़ा था. तो इस तरह का लगता है ये कुछ सूट. इसका कलर हल्का सा ग्रे और स्काई ब्लू दोनों का मिक्स है, पता नहीं किस तरह से, थोड़ा डिफरेंट और यूनिक कलर है, बट आई लाइक दिस कलर. यू कैन सी इसकी नेक पे इस तरह से ये चिकनकारी वर्क दिया हुआ है, और पूरे सूट पे इस तरह से चिकनकारी वर्क है. इसके स्लीव्स पे भी है, और इसके बैक पे भी इस तरह से छोटे छोटे बूटी हैं जो बहुत ही प्रिटी लगते हैं देखने में. ये समर के लिए अच्छा है ऑफकोर्स, हल्का सा मुझे लूज है ये, थोड़ा सा ऑल्टर कराने की ज़रूरत है. मैं ऑफकोर्स इसे कराऊंगी बट अभी नहीं, गर्मियों में, अभी तो मैं इसे ऐसे रख दूंगी. उसके बाद जो दो लास्ट कपड़े हैं वो है स्वेटशर्ट. ये मैंने विशाल मेगा मार्ट से खरीदे थे. विशाल मेगा मार्ट में जब विंटर स्टार्ट हुए थे बहुत अच्छा कलेक्शन था. ये एक स्वेटशर्ट मुझे 300 का पड़ा है, तो मैंने दो खरीदे थे, और इन दोनों की क्वालिटी बहुत अच्छी है. जब मैं लाई थी ऑफकोर्स मैंने इन दोनों को वॉश करके ही पहना था, तो इन दोनों का कलर नहीं गया था, बट इसे मैं सेकेंड टाइम वॉश कर चुकी हूँ, बिल्कुल भी इसकी क्वालिटी कहीं से भी घटी नहीं है, कुछ नहीं, कोई इस पर रुआ वगैरह कुछ नहीं आया है. तो ओवरऑल इन दोनों की क्वालिटी बहुत अच्छी है. सबसे पहले बात करते हैं इस स्वेटशर्ट के बारे में. मुझे ना इसका कलर बहुत अच्छा लगा था, यू कैन सी इसका कलर, और यहाँ पे इस पे ये टोक्यो लिखा हुआ है. ये बहुत ही वार्म है, अच्छी सी फीलिंग आती है इसको पहन के. मेरे आपके पास विशाल मेगा मार्ट है तो आप देख सकते हो, क्योंकि विशाल मेगा मार्ट में स्वेटशर्ट के लिए बहुत अच्छा कलेक्शन है, और प्लस प्राइस रेंज भी बहुत अच्छी है. उसके बाद जो लास्ट पीस है वो है ये भी ब्लू कलर में एक स्वेटशर्ट है, और इसके ऊपर न्यूयॉर्क लिखा है. इसमें ये हुड वाला स्वेटशर्ट है, बहुत वार्म है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी. मैं बहुत खुश हूँ विशाल मेगा मार्ट से स्वेटशर्ट खरीद के, और मैं डेफिनेटली दोबारा एक बार जाऊँगी देखने के लिए, अच्छा कलेक्शन है वहाँ पे. अब इसके बाद बात करते हैं ज्वेलरी के बारे में, जो शायद थोड़ा सा आपका टाइम ले सकती है. ओके, शुरू करते हैं इन इयररिंग्स के साथ. यू कैन सी दिस इयररिंग, ये रेगुलर झुमका जैसे नहीं है. यू कैन सी इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो स्क्वायर कुछ टाइप है ना, सिलेंडर वाला जो एक होता है उस तरह का गोल है. यहाँ पे इस पे मिरर वर्क है, और नीचे भी इस पे यहाँ पे मिरर वर्क है, नीचे पर्ल की डिटेलिंग है. ये उतना हैवी नहीं है, बस इसका ये वाला जो पार्ट है हल्का सा हैवी है, कंफर्टेबल है, आप पहन सकते हो आराम से. ये बहुत ही सुंदर लगता है. स्टेटमेंट इयररिंग्स का ना अपना ही एक फायदा है कि बस उन्हें पहन लो, हल्का सा स्मजी काजल लगा लो, न्यूड लिपस्टिक लगा लो, एंड यू आर गुड टू गो. और मुझे सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत पसंद है, बहुत 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 पसंद है. तो जो भी इसमें है सब सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है सिवाय एक के, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी. ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट इयरिंग है
वो है उलझ गए. ओके गुड या शुक्र. उसके बाद वो है ये मैंने नायका से खरीदे थे. इस पे भी इस तरह का ये सिल्वर वर्क है, पर्ल डिटेलिंग है और इस पे ना हल्की हल्की सी डिटेलिंग है, यू कैन सी, जो बहुत ही प्रिटी लगती है देखने में. ये मैंने मेरे नवरात्रि वीडियो के लिए मंगाया था बट ये आने में बहुत ही ज्यादा लेट हो गया था तो मैंने इसे नहीं पहना उसमें. बट मैं आगे जरूर किसी ना किसी आउटफिट के साथ इसे स्टाइल करूंगी बिकॉज आई लव टू वेयर स्टेटमेंट इयररिंग्स. उसके बाद नेक्स्ट जो इयररिंग है वो है ये खूबसूरत सी चांद वाली. यू कैन सी यहाँ पे इस पे ये मोर बना हुआ है और इसके यहाँ पे भी ये मोर बना हुआ है जो बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही प्रिटी लगते हैं ये देखने में. मुझे बहुत पसंद है ये इयररिंग एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स लाइक ना. ओके उसके बाद जो अगले इयररिंग है वो भी है एक झुमकी, बट यू कैन सी इट्स अ बिग है ना स्टेटमेंट झुमकी विच लुक सो प्रिटी. और इसका जो छत्र है वो काफ़ी छत्र, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो, शायद मैं इसे छतरी, बट मैं इसे छतरी बोलती हूँ. और इसमें नीचे ये घुंघरू है, ये बिल्कुल भी हैवी नहीं है, बहुत कंफर्टेबल है पहनने में. आपको देखने में शायद हैवी लग रहे होंगे लेकिन बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है. जो भी वेट है इस पार्ट में है ये बिल्कुल लाइट वेट है, ज़रा सा भी वेट नहीं है इसमें. इस तरह के इयररिंग्स भी बहुत प्रिटी लगते हैं. आप लो बन बना लो, ये वाले इयररिंग पहन लो, ब्लैक साड़ी पहनो एंड यू विल लुक सो प्रिटी. ओके उसके बाद जो अगले इयररिंग है वो भी है एक स्टेटमेंट इयररिंग और ये है एक झुमकी. इस पे यहाँ पे स्टोन नहीं है, ये कपड़ों पे भी लगा होता है वो बिंदी टाइप का कुछ वो है, ये स्टोन नहीं है और यहाँ पे भी ये वही लगा हुआ है और बहुत अच्छी क्वालिटी का, ऐसा नहीं है निकल रहा है या कुछ भी है, नीचे पर्ल है, बहुत ही प्रिटी लगता है देखने में. मैंने रिसेंटली अभी एक शादी में पहने थे और जब मैंने अपने WhatsApp पे और Instagram पे पोस्ट डाले थे बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था इस इयररिंग के बारे में, तो मैंने ये इयररिंग इन्हीं के साथ खरीदे थे एंड आई रियली लाइक दिस पीस ऑल्सो. इसके बाद जो अगले इयररिंग हैं वो मैंने मीशो से खरीदे हैं. यू कैन सी दिस इयररिंग, ये इयररिंग भी बहुत ही प्रिटी है. मैंने अपने नवरात्रे के ही एक वीडियो में ये पहने थे, ये कुछ इस तरह से लगते हैं. इस पे ऑल ओवर ये मिरर वर्क है, ऑल द क्वालिटी इनकी इतनी अच्छी नहीं है बट देखने में ना ये बहुत ही सुंदर लगते हैं तो मुझे उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बार बार तो पहनने नहीं होते हैं, वंस इन अ वाइल ही पहनने होते हैं कभी कभी, तो इट लुक्स सो प्रिटी. यू कैन सी हेयर इस पे यहाँ पे हल्के हल्के से ना ये घुंघरू दिए हुए हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं इयररिंग भी देखने में अपने आप में. आई रियली लव दिस पीस. उसके बाद लास्ट इयररिंग है ये जो मैंने अपने करवा चौथ वाले वीडियो में पहने थे. मैंने क्लिप डाली है यहाँ पे क्योंकि अभी ये इयररिंग मेरे पास नहीं है. इसमें एक कॉर्नर पे ग्रे कलर का स्टोन है और नीचे इस पे वाइट कलर की पर्ल डिटेलिंग है जो बहुत ही. उसके बाद जो लास्ट पीस बचा है वो है ये एक चोकर नेकलेस जो बहुत ही प्रिटी है, सिंपल सा है बट बहुत ही सुंदर लगता है देखने में. मैं इसे डिफरेंट डिफरेंट वे में स्टाइल कर सकती हूँ. आई विल ट्राई टू पोस्ट सम पिक्चर्स जब मैं इसे पहनूंगी, तो वेट फॉर दैट. ओके या एंड लास्ट थिंग इसके बाद या एक छोटू सा ये ब्रेसलेट है जो मेरी शॉपिंग के साथ मुझे फ्री मिला था. ओ मैं इसे पहन सकती हूँ, मेरे इस आउटफिट के साथ मैच करेगा, पहन लेती हूँ फिर दिखाती हूँ. हाँ ये है ये ब्रेसलेट, इसके अंदर छोटे छोटे से स्टार हैं, अच्छा लगता है देखने में, पर्ल भी है इसमें, इट लुक्स pretty, है ना. उसके बाद जो लास्ट आइटम मैंने खरीदा है वो है यही खरीदा है Amazon Echo Dot. इसको लेने का जो मेन मोटिव था मेरा वो ये था कि मैं अपने फोन में बहुत ज्यादा लगती हूँ, ठीक है, म्यूजिक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब कुछ फोन से होता है तो बस फोन में ही लगी रहती हूँ. तो मैंने सोचा इसे ले लेती हूँ, कम से कम अगर मुझे म्यूजिक सुनना है या फिर कुछ सर्च करना है कुछ भी इस तरह का एंटरटेनिंग तो मैं इसके थ्रू कर सकती हूँ, इस पर सर्च कर सकती हूँ, इस पर म्यूजिक सुन सकती हूँ और वही मैं करती हूँ. तो थोड़ा मेरा टाइम कम हो गया है फोन यूज करने का. बट एक चीज पता नहीं क्यों एलेक्सा मुझे बहुत ज्यादा बच गई, एलेक्सा मुझे बहुत ज्यादा सैड सॉन्ग सुनाती है. मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी स्टोरीज पोस्ट करती रहती हूँ, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. आप जरूर देखो कि एलेक्सा किस तरह के दर्द भरे गाने सुना के मेरे पर अत्याचार करती है. ओके तो ये था मेरा कलेक्टिव शॉपिंग हॉल. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा. इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय.